पे। एक काम कर, ये अपना कौन सा इटियोस का चाहिए ना तुझे, इटियोस छोड़, ऑडी का ले ले, ऑडी का लगा ले या बीएमडब्ल्यू का लगा ले। ये रहा लोगो, पता नहीं ब्रैकेट वाला चाहिए था इसे या सिर्फ आने वाला। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। बड़े दिनों बाद ब्लॉग आ रहा है। एक ब्लॉग और शूट करा हुआ था, वो भी शायद इससे पहले आ जाए या उसके बाद आए, तो देखते हैं। अभी टाइम से पहले उठ गया हूँ मैं, संडे भी आज, और टाइम से बहुत पहले उठ गया हूँ मैं, 8:30 हुए हैं। अभी थोड़ी देर में दोस्त के साथ जाना है, उसका कुछ काम है, घर का सामान वामान लाना है, फ़ैन में, सो शायद मुझे भी लाना हो। और एक और दोस्त के साथ जाना था, उसका कॉल भी आया था। अभी पहले उसके साथ जा रहा था मैं, अब उसके साथ बाद में जाऊँगा। पहले ये दोस्त के फ़ैन वैन ले आते हैं, फिर उसकी गाड़ी की हेडलाइट वगैरह ठीक करानी है, उसके बाद वहाँ जाएंगे। तो पहले फ्रेशन अप हो लेते हैं और फिर निकलते हैं। मेट्रो से जाएंगे अभी, बाद में बाइक से जाएंगे। तो फ्रेश एन अप हो लेते हैं जल्दी से और फिर निकलते हैं। अभी 10:30 कहा था उसने, 10:15, 10:30 तक, तो फ्रेश एन अप होते हैं और फिर निकलते हैं 10:30 तक। स्टेशन भी याद नहीं है मुझे कि पिछली बार कहाँ गए थे पैन लेने, तो स्टेशन का भी थोड़ा देखना पड़ेगा। तो चलते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। तो भाई रेडी वेडी हो चुके हैं, तो उसका कॉल आ गया, अब चलते हैं। और कैमरा थोड़ा सा ब्लर आ रहा है यार, टेम्पर जो है मेरा टूट चुका है, ये टेम्पर भी डलवाना है, ये डलवाते हैं जाके। तो भाई जब से घर से निकले हुए अब आए हैं, और ये बंदे की वजह से यहाँ पे इतनी देर से 3-4 मार्केट घूम चुके हैं ऑलरेडी। बंदे की वजह से 3-4 मार्केट घूम चुके हैं, पंखा भी नहीं मिला, अब जाके यहाँ पे मिला 4 मार्केट घूमने के बाद। और फैन भाई हमारे काम है, ये पीछे फैन, अब लेके निकलते हैं। उस बंदे को देखा होगा आपने पहली बार वीडियो में, आपके। तो भाई फैन लेने थे, बड़ी मुसीबतों के बाद फैन हमें मिल चुके हैं। बड़े दिनों बाद रिक्शे की पीछे वाली सीट मिली है हमें। एक बंदे को आगे बैठा रखा है फैन पकड़ के, ने फैन ये आगे रखे हुए हैं, ये चला है। और ये बंदा भाई तो 3-4 मार्केट घुमाई है जिसने, ऋषु के साथ आए हुए, ये बंदे ने 3-4 मार्केट घुमाई है। अभी भी इसे होल्डर चाहिए जो कि यहाँ कहीं नहीं दिख रहे। और ये देख लो कैसी कैसी गलियों से निकल रहे हैं हम मोती नगर की। भाई बड़ी मुश्किल से मार्केट मिली है, आए तो पिछली बार भी थे लेकिन मार्केट भूल गए थे, तो घूम फिर के पता नहीं कहां कहां से आए हैं। तो ये भाई अभी भी रुकवा दे रहा, देख लो ऐसे ऐसे रोड पर जोर तो लग रहा है। अंकल कह रहे एक बार जाम लग गया ना, निकल हो नहीं, जो बार बार दुकानों को उतरवा रहा है। अबे यार एक दुकान पे उतरवाए कैसी बात है। ज़बरदस्त हमारी हो चुकी है सीट ऐसी, हम मेट्रो स्टेशन बैठे मेट्रो का वेट कर रहे हैं। हमारा मजदूर आदमी जिसने सुबह से ऐसे ऐसी करवा रखी है भाई, पता नहीं क्या क्या लेना है। भाई एक दुकान पर रुक रहा है, फिर दूसरी दुकान पर रिक्शा रुकवा रहा है। और मौसम हो गया आज ज़बरदस्त, भाई बारिश आने वाली है। और इस स्टेशन पर हम आए हैं पहली बार, मौसम देख लो, बस बारिश आने वाली है थोड़ी देर में। हाँ यही ऐसे ऐसी करवानी थी ना तूने, ये देख लो भाई पहली बार स्टेशन पे आए हैं, पता नहीं कौन सा ESI। यहाँ से राजौरी गार्डन से फिर चेंज करो, तो राजौरी गार्डन पता कितना लंबा है वो भी नहीं पता होगा ना, गया नहीं होगा आज तक, थोड़ा बहुत ये भी नहीं पता भाई, दिल्ली का ही नहीं पता इसे भाई, दिल्ली रहता ही नहीं है, बाहर से आए बंदे, 25 साल हो गए दिल्ली में रहते रहते, लेकिन कुछ पता ही नहीं है दिल्ली में है क्या क्या नहीं है, कहाँ मेट्रो स्टेशन है, कुछ नहीं पता इन्हें। मेट्रो की टिकट तक नहीं पता कितने की है, और क्या पता होगा इन्हें। मेट्रो आ चुकी है, टाइम देख लो, सुबह 9:30 निकले थे, टाइम देख लो 2 बजने वाले। 2-4 हज़ार में लेता हूँ भाई, जैसे मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पंखे दिलाने के बाद एक जगह दोस्त के साथ जाना है, गाड़ी की हेडलाइट ले रहे, देने तो गाड़ी के हेडलाइट जा रहे हैं जहाँ हम बाइक पर हैं। और मौसम वैसे ही ख़राब था, थोड़ी देर पहले मौसम दिखाया था बारिश पड़ गई थी, थोड़ी देर रुके थे, अब फिर से बारिश पड़ना शुरू हो गई है, तो पता नहीं भीगते भीगते कहाँ पहुँचेंगे। जाना गए हमें मायापुरी, भाई मायापुरी जाना है, और अभी घर से ही निकले जस्ट, और ये वही गंदे वाले रास्ते से निकाल लिया इसने हर बार की तरह, पूरे कचरे से। तो भाई भीगने की पूरी वो उम्मीद है आज, तो पहले भी गई थी बुलेट लेके आई हूँ, बुलेट लेके आई हूँ, लेकिन फिर ये बाइक ले आता है, हवा और नहीं है, पेट्रोल उसमें कभी होता ही नहीं है, पेट्रोल तो उसमें भी नहीं होता, पेट्रोल की क्या बात है, उसमें भी आप भरवाने के बाद एक आधा दिन में पता भी हो जाता जितना भरवा लो,
पेट्रोल डलवाते हैं, जल्दी से निकलते हैं, घर भी पहुँचना है। मौसम तो बहुत ठंडा हो गया और बूंदाबांदी हो रही है तेज। मौसम देख लो, मौसम गर्मी में बस ऐसा मौसम हो जाए और चाहिए क्या, लेकिन बूंदाबांदी ना हो बस। तो भाई ये पेट्रोल पंप पे आ गए हैं, देख लो भाई की क्या हालत है। देखा चाड़ा भाई पता नहीं क्यों ले आता है, आधे तो यहीं बारिश के मारे खड़े हुए हैं। यहाँ देख लो छुटके अंकल बॉटल में दे रहे हैं, बॉटल में मिलना नॉर्मल है, फिर भी बॉटल पेट्रोल दिया जा रहा है यहाँ पे। तो भाई यहाँ हवा चेक करवाई जा रही है, अभी वाले टायर में हवा कम थी ये चेक करवा रहे हैं, उसके बाद निकलेंगे। यहाँ पंचर लग रहा है लोगों का और अपनी तो अलग ही ऐसे ऐसी हो रखी है यार, बारिश की टेंशन हो रही है मुझे तो, नहाया भी नहीं था। ये पहुँच चुके हैं हम मायापुरी, यहाँ पे भाई गाड़ी गाड़ी गाड़ियों के सामान, अपनी गाड़ी किसी को ऑडी वॉडी बनवानी है तो यहाँ से। बंदा हमारा ये सामान नहीं मिल पा रहा, ये गाड़ी ऐसी है यहाँ पे। एक काम कर, ये अपना कौन सा इटियोस का चाहिए ना तुझे, इटियोस छोड़, ऑडी का ले ले, ऑडी का लगा ले या BMW का लगा ले भाई, इतना अच्छा ऑफर दे रहा हूँ इसे, ऑडी का लगवा, BMW का लगवा, इटियोस का ढूंढ रहा है, हेडलाइट और नहीं मिल रही है अपने, आधा घंटा हो गया ढूंढते ढूंढते। देख रहे हो हर गाड़ी, हर गाड़ी के टायर मिलेंगे, इस पे इस पे इस पे नहीं गए, अब ऊपर से गिर रहा होगा। बच्चा मायूस हो गए, दूसरी गलियाँ ढूंढ रहा है जहाँ मिल जाए हेडलाइट वगैरह, क्या करेगा बेचारा। फाइनली लाइट वाइट, हमें हेडलाइट मिल गई है लेफ्ट वाली जो हमें लेनी थी इटियोस की, तो लोगों को भी मिल चुका है। अब बाइक निकालते हैं, चलते हैं घर, बारिश रुक चुकी है। ये रहा लोगों, अब पता नहीं है ब्रैकेट वाला चाहिए था इसे या चिपकाने वाला, ये भी दोबारा चेंज ना करवाना पड़े। और ये रही हेडलाइट जो कि 400 की मिल गई है हमें, बाइक गाड़ी भेज देने से पड़े हुए हैं। ये देख तो बड़े बड़े ट्रक हो गए, ट्रक सब के इंजन मिले गए हैं, इंजन पड़े हुए पता भी लग रहे, क्रेन व्रेन पता नहीं किस किस के इंजन पड़े हुए हैं। ये देखो सारा स्क्रैप पड़ा हुआ है, एशिया की सबसे तगड़ी मार्केट है मायापुरी कहते हैं। सीन क्या था भाई यहाँ पे, एक तो हमें पता नहीं लग रहा था हेडलाइट लेने गए, 1000 की बंदा नहीं दे रहा और एक जगह 1200 की पुरानी दे रहा, तो ये बहुत कन्फ्यूजन थी। घूम फिर के 400 की मिल गई है हमें सेकेंड हैंड, दिल्ली कैंड इस साइड समझ आना जनकपुरी। और बाकी मौसम देख लो, जिसकी हर दिल्ली वाले को उम्मीद होती है बारिश के बाद ये हो सकता है, और रखता सेक्सी मौसम। तो अब रुकेंगे थोड़ी देर खाने के लिए कहीं पे, फिर निकलेंगे घर के लिए। कहते खाने के लिए मैं खा बैठा हूँ, और ये सबका लंगर की तरह अभी मैं खाया जा रहा है, लंगर लगा हुआ है, बार बार सब्जी ले रहा, बार बार कचौड़ी ले जा रहा है। ये शख्स यहाँ भी दिखे उससे पूछने मत देना। घर आ गए हैं, जो हेडलाइट वगैरह सब लेनी थी वो ले ली है, अब खाना खाते हैं, देखते हैं क्या बना है। कप वगैरह मेरा ऐसे ही फेंक रखा है, ये नीचे ले जाना था लेकिन अभी यहीं पड़ा हुआ है। आलू मटर कढ़ी चावल यार, सब्जी तो बहुत है आज। तो खाना पीना हो गया डन, अब थोड़ी देर करते हैं रेस्ट, बहुत थक गया यार, दो दो काम कर दिया आज एक ही दिन में। पहले तो वहाँ पे पंखे लेने में टाइम लगा दिया उसने, बाद में उसकी वो गाड़ी की हेडलाइट वगैरह, अब थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। खाना पीना हो गया, पेट भर चुका है, और जैसा कि मैंने आपको कल वाले ब्लॉग में कहा था कि क्या चीज़ है जो दोबारा कटिंग कराऊँगा मैं 5-10 दिन जाके, तो भाई थोड़े दिनों में अगले महीने जून की 7 या 8 तारीख को कज़न की आने वाली है शादी, तो उससे पहले यार शादी से पहले एक बार कटिंग दोबारा करानी पड़ेगी क्योंकि बाल ख़राब हो जाते हैं, तो उसके लिए दोबारा कटिंग कराने जाना पड़ेगा। अभी शॉपिंग वगैरह भी करनी है, कपड़े वगैरह लेने हैं, तो अभी चलते हैं सोने, वो देखेंगे कपड़े वगैरह थोड़े दिन में कौन से लेने हैं इस पर। तो इस व्लॉग को यहीं करते हैं एंड, जल्दी मिलेंगे आपके साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।